हुकूक उन नबी एदे तो मुराद ये होएगा कि उम्मत मुसलिमाते क्योंकि तुसी मुखातिब हो उम्मत मुसलिमाते हाँ जी की हक ने इंसाना ते की हक ने नबी दे मुसलमाना ते भी ईमान वालियां ते भी हक ने और जेड़े मुसलमान नहीं उन्हां दा नबी सल्लल्लाह सल्लम दे बारे दे अंदर उन्हां ते की हक है नबी दा की हक है उन्हां उते अल्लाह अकबर तवज्जो फरमाना है जी पहला हक नबी दा ए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पहला हक ए है कि नबी नू अल्लाह दा बंदा और उदा रसूल मनना ठीक है अल्लाह दा बंदा और उदा बोलो रसूल मनना ए नबी दा पहला हक है और पूरी इंसानियत नू अल्लाह ने मुखातिब करके फरमाया जड़ी मैं आयत खुतबे अंदर पढ़ी है अल्लाह ने फरमाया कुल कुल कह दीजिए मेरे पाक पैगंबर मेरे नबियां दे सरदार पैगंबर मेरे लाट और चहेते पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाह आवाज आनी चाहिए थोड़ा जा अल्लाह दे नबी ते दरूद पढ़ो पता चले दरूद पढ़िया जा रहा है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह करीम ने फरमाया कुल कह दीजिए मेरे महबूब या अय्युहन्नास ए लोगो इथे ईमान वालिया नू मुखातब नहीं कीता गया पूरी उम्मत नू यानी पूरी इंसानियत नू अल्लाह करीम ने खिताब करके फरमाया है फरमाया या अय्युहन्नास ए लोगो रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ फरमाया मैं अल्लाह दा रसूल हां अल्लाह ने फरमाया सुनिया की आखो सारी इंसानियत नू सारे लोगों नू कह दियो इन्नी जड़ा मैं रसूलुल्लाह इलैकुम रसूल हूं तुम्हारी तरफ जमीया यानी सब की तरफ पूरी कायनात की तरफ मैं रसूल बना करके भेजा गया हूँ अल्लाह दे नबी नू अल्लाह करीम ने ऐलान करने दा फरमाया सूरह आराफ दी आयत नंबर 158 नंबर आयत अल्लाह करीम ने जमीया दा लफज बोल करके और अन्नास दा लफज बोल करके सारी कायनात नू मुखातिब करके मेरे नबी तो कलवाया मेरे नबी तो अखवाया है कि सोनिया आखो इन लोगों नू मैं रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ गल समझ आ गई जमी जमा तो है ना सारे वास्ते रसूल बना करके भेजा गया अगे सूरत तगाबुन दी आयत नंबर 8 उते 158 सी ना इकली 8 है जी जनाब इस 8 नंबर आए थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने इतना मकाम इतना हक अदा फरमाया है इथे हुन अल्लाह करीम ने ईमान वाले नु मुखातिब करके फरमाया फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व नूर अल्लज़ी अंज़लना वाह अल्लाह सुने क्या कमाल दर्जे का अंदाज है अल्लाह करीम द इंसानियत नू इंसाना नू समझाण वास्ते अल्लाह अकबर अल्लाह मैं ते कहांगा बहुत सारे वाकयात ने हैवान समझ गए कीड़े मकौड़े समझ गए क्यों जी इतने वाकयात ने अलग जुमा बन सकता है अलग खिताब कई हो सकते ने यानी सारी कायनात दी हर मखलूक समझ गई
मगर इंसान जिहड़ा अशरफुल मखलूकात है नबी सोने दी इमामत नूं छड़ के मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत दे सिर्फ नारे ही मारी जाने मेरे नबी दी बात दा इनकार कीता जांदा है। और अशरफुल मखलूकात हजरत इंसान इनकार कर रहे है। इधर वेखना अल्लाह करीम ने सारिआं नूं आख्या सारी कायनात दीआं मखलूकां जनाब अल्लाह दे प्यारे नबी दा एहतराम करन मेरे नबी नूं रसूल और खत्मुर रसूल पैगंबर मनन। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात हो के इनू की हो गया है। अल्लाह ने फरमाया बस बस फा फा आया है शुरू अंदर फा आमिनू बिल्लाही व रसूली ईमान ले आओ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते। हाँ जी जनाब अल्लाह करीम ने फरमाया वन्नूर लज़ी अंज़लना अल्लाह फरमा देने उस नूर नाल उस नूरे हदायत ते ईमान ले आओ। वो नूर कुरान पाक नूं इत्थे आख्या गया है उस कुरान नाल ईमान ले आओ। फरमाया ओ जेड़ा अल्लाह जी वो जो अंज़लना हमने जो नाजल किया अल्लाह कहंदा असी जेड़ा नाजल कीता है ना वो नूर नूर किनू किया गया कुराने पाक नू ठीक है ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अंज़लना दा लफ्ज नाजल कीता गया ये नहीं मेरे नबी इंसाना चो पैदा होए क्यों जी मेरे नबी नू अल्लाह ने नबी बनाया नबूवत अता फरमाई मेरे नबी नाजिल नहीं होए मेरे नबी मबऊस होए ने मेरे नबी नू मबऊस फरमाया गया। ये भी नुक्ता कुरान मजीद ने बयान किया फरमाया ईमान लियाओ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते अल्लाह ते ईमान की लियाना है। अल्लाह जात विच कल्ला और सिफात विच भी कल्ला नबी ते व रसूल ही और ओदे ओदे रसूल ते ईमान की लियाना है कि रसूल दी बात अरफे आखर है जो नबी सुने आख दे जान करदा चला जा नबी बोल दे जान अपनांदा चला जा सोने नबी होंठ खोल दे जान उमें करदा चला जा। एक है अल्लाह ते ते अल्लाह दे रसूल ते ईमान नाल फरमाया ईमान ले आना है इस किताब ते इस नूर ते ईमान ले आना है। वन नूर लज़ी अंज़लना जो हमने नाजल किया यानी इस नूर कुरान पाक ते ईमान ले आओ। और फरमाया अगर अंदर होर होया बाहर होर होया इत्थे मुनाफिकां नूं भी चैलेंज है बदअमल लोगों नूं भी चैलेंज है। अल्लाह फरमा देने वल्लाहु वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर अल्लाह तुहाडे अमलां तो बाखबर है जानदा है अंदरों भी जानदा है तुहानू बाहरों भी जानदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह वो कौन है जिहड़ा अंदर बाहर दियां सारियां जानने वाला कौन है बोलो हा हा सुभान अल्लाह कितना प्यारा अकीदा अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह हकूक आ रहे ने हकूक अल्लाह दे हकूक ते ए नबी दे हकूक ए बयान हो चले अज अल्लाह दे फजल नाल फिर बंदियां दे हकूक भी आन गए हकूकुल इबाद भी आएगा है जी हकूकुल ज़ौजैन भी आएगा हकूकुल वालिदैन भी आएगा हकूकुल औलाद भी आएगा इंशाअल्लाह ये हकूक हकूक दा सिलसिला ताकि उम्मत सुधर जाए उम्मत अच्छे कम्मां ते लग जाए अपने अपने हक दा असी पास करिए कि हक केड़ा केदे ते एक दूसरे दा हक दा अदा करिए क्यों जी। अल्लाह पिछले जुमे बयान होया कि अल्लाह दा हक असी अदा नहीं करते लोगों के हक कितों अदा करने ने इस वास्ते पहले अल्लाह दा हक बयान होया
इधर देखना, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे महबूब पैगंबर, इधर देखना सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस है जनाब 153, ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ दी है मेरे और तुहाडे प्यारे नबी दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह हो, कह दो कह दो रजी अल्लाह ताला लोगो, हजरत अबू हुरैरा हाफ़िज़े हदीस अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, मुहद्दिस अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, फकीर सहाबी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, भूखा नाल तड़पदा रहिंदा मस्जिद नबी दे अंदर, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों जुदा होना बर्दाश्त नहीं करते सन, पसंद नहीं करते सन, अपनी रोटी कमाण वास्ते भी नहीं निकलते सन, किसी वेले भूखा नाल ही करवटां बदलते रहिंदे। अल गरज ओ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सारे जान नालों मेरे नबी दी एक बात नू हदीस नू कैच करने वाले, ये जनाब हदीस नू समझना ये उनू याद करना ही उन्हां दा ये वतीरा बन गया, उन्हां दा जिंदगी दा सासा बन गया सी, इनू ही हिरजे जान बनाया होया, बस अल्लाह दे नबी बोलन ते मैं मौजूद होवां ताकि गल याद कर लवा जो मेरे नबी फरमान। अक्सर हदीसा दे रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला आन गए जनाब दे सामने, इस वास्ते मैं दसे केड़ी किताब दी हदीस, केड़ी किताब दी हदीस सुनान लग गया, सही मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ दी, इधर वेखना जरा हजरत अबू हुरैरा कोलो रवायत है, मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह दे प्यारे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देने, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस जात की कसम है जेदे हाथ अंदर मैं मुहम्मद दी जान है। देखो कितनी बड़ी बात फरमाई अल्लाह दे नबी ने, कसम खा के फरमाया उस जात की कसम है, वाओ कसमिया है, अल्लाह दे प्यारे नबी फरमा देने, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस जात की कसम जिदे हाथ अंदर मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाने, उम्मत दा कोई शख्स, इत्थे उम्मत तो मुराद इंसानियत है, कोई दुनिया दा इंसान, मेरे नबी ने यहूदियां दा ना लिया, ईसाइयां दा ना लिया, इस तो इस वास्ते हदीस अंदर उम्मत दा लफ्ज़ बोलिया है, मैं ता वजाहत की उम्मत तो मुराद इस हदीस अंदर मेरे नबी दी मुराद सिर्फ मुसलमान मोमिनीन ही नहीं ने, उम्मत मुहम्मदिया ही नहीं, बल्कि मेरे नबी सोने ने फरमाया लोगो उम्मत दा कोई शख्स यानी दुनिया दा कोई शख्स खाव यहूदी होवे या ईसाई होवे, मेरे बारे अंदर सुने मेरा पता चल जाए कि अल्लाह दे नबी दुनिया तो दुनिया ते तशरीफ ले आए, अल्लाह दे अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमाई, खातमुन नबीयीन बनाया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे मुतलक सुने ओदे तक बात पहुंचे कि दुनिया ते नबिया दे इमाम तशरीफ ले आए, ते बस एदे बाद फरमाया बगैर ईमान ले आए तो मर जाए, काना काना मिन असहाबिन्नार, फरमाया ओ जहन्नम वालिया विचों जहन्नमी होएगा, अल्लाह अकबर अल्लाह गल समझो, एक है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया,
ये जड़ी आयत पढ़ी है उन वजाहत अंदर है यदि तफसीर अंदर हदीस हदीस सही मुस्लिम शरीफ दी सुनाई है दरवेकना अल्लाह दे कुरान चो भी दला अल्लाह दा बंदा ते उदा रसूल मनना इधर गल सुनो सारी इंसानियत वास्ते जरूरी है जेड़ा ना मनेगा रसूल मनेगा मगर बंदा नहीं मनेगा उन्हें भी नबी दा हक अदा नहीं कीता जेड़ा बंदा बंदा मने ते रसूल ना मने उन्हें भी नबी दी नबूवत दा हक अदा नहीं कीता ये जे हकूक नबी दा पहला पॉइंट पहला हक नबी सोने नू अल्लाह दा बंदा और दा रसूल मनना ये जी पहला जे दे अंदर अल्लाह करीम ने इवें भी तेरी शाद फरमा के दसिया है फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला फरमाया पाक है वो ज़ात जिन्ने सैर कराई अपने बंदे नू रातो रात रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर अल्लैला पढ़ना ते जनाब इत्थे रुकना ते इंज पढ़िया जाएगा लेकिन ये दो जबरां दस दियां ने के तनवीन जड़ी जड़ी तनवीन है दो जबरां वाली तनवीन है ये दस दिए कि रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर वो हिस्सा मिनट पांच मिनट दस मिनट घंटा अद्धा घंटा अल्लाह तो अलावा कोई नहीं जानता कहते रे फलां दे बिलियां भी गायब जान दिया ने फलां दे फलां हजरत साहब दे कुत्ते भी गायब जान दे ने अस्तगफिरुल्लाह ये दसो किन्नी देर कोई बंदा दसे दलील नाल क्यों जी दलील नहीं ते किसे नूं पता जी थोड़ा जा हिस्सा बात थोड़ा जा ही कहांगे सारी जिंदगी थोड़ा ही कहते रहांगे कोई बंदा लिमिट नहीं मुकर्र कर सकता कि इतने वक्त अंदर मेरे नबी नू सैर कराई गई अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह करीम ने फरमाया अब्दी सुबहानल्लाह सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैला फरमाया रात दे थोड़े जे हिस्से दे अंदर अल्लाह करीम ने सैर कराई अपने बंदे नू अल्लाह अकबर अल्लाह जनाब अल्लाह ने सैर कराई लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अक्सा इस वास्ते आख्या जांदा है कि दूर दुराडे इलाके नू कहा जांदा है ये जनाब मस्जिद नबवी तो बैतुल्लाह तो बड़ा दूर पूरे मस्जिद अक्सा इस वास्ते दा नाम यानी अक्सा आख्या गया है यानी अल्लाह करीम ने सैर कराई अपने बंदे नू फरमाया मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा फरमाया मस्जिद हराम तो लेके अल्लाह मस्जिद अक्सा तक यानी बैतुल्लाह दे करीब तो मेरे नबी नू उठाया गया मेरे नबी लजाया गया ये सारी दी सारी सैर जमीन ते कराई गई मेरे नबी नू हवा च नहीं उड़ाया गया जमीन ते चला के अल्लाह ले गया असरा युसरी सरान रात नू चला के ले जाना और जमीन ते चला के ले जाना मुराद है एक एक जुमले ते किताबा लिखिया पईया ने अलगरज अल्लाह करीम ने सैर कराई अपने प्यारे बंदे नू बंदा कौन है हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सैर कराई मस्जिद हराम तो लेके मस्जिद मस्जिद अक्सा तक वो केड़ी केड़ी मस्जिद है केड़ी जगह अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना फरमाया जो देर दगर अल्लाह दियां बड़िया बड़िया निशानियां जायबात मौजूद ने अल्लाहु अकबर अल्लाह इन समीउल बसीर
अल्लाह समी भी है ते बसीर यानी देखने वाला, अल्लाह हर चीज नू सुन भी रहा है ते वेख भी रहा है। अल गरज मैं दसना है चाहना मेरे प्यारे वीर, इस कुरान पाक दी आयत तो बाद बुखारी शरीफ दी हदीस आ गई, अल्लाह दे नबी ने फरमाया इन्नमा अना अब्दुन, आपने फरमाया मैं अल्लाह दा बंदा, क्यों जी मैं ते इन्नमा क्यों आया, अना अब्दुन दा माना बनता मैं अल्लाह का बंदा, इन्नमा इन्नमा कलमा हसर है, क्यों जी कारी साहब कलमा हसर यानी ये दे अंदर सिर्फ और सिर्फ दा माना बनेगा। मेरे नबी फरमाते ने मेरे अंदर को रब देखते आरात नहीं आ गए, सिफता रब वालियां मेरे अंदर नहीं आईया, मैं बंदा आज भी बंदा कल भी बंदा, बंदा हो जा ते जग ते कोई नहीं जड़ा इतनी रब दी बंदगी करने वाला होवे, हो जा ते जग ते कोई नहीं, एवं नहीं मेरे नबी दा नाम मैं दस्या जी जुमे अंदर शायद याद होवे अहमद, फरिश्तियां दे अंदर अहमद नाम मशहूर है मेरे नबी दा, सब तो ज्यादा अल्लाह दी हमदा सनावा आसमाना वाल जिहड़े आमाल चढ़दे ने ना जिक्र अजकार, ये जिहड़ियां हमदा ते सनावा रब दियां तारीफां चढ़दियां ने ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ हो रहे, तां आसमाना ते मशहूर मेरे नबी दा नाम अहमद, यानी सबसे ज्यादा अल्लाह की हमदो सना करने वाला, अपने कोलों नहीं बात की थी। इस वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी इन्हां नूं आख दे हो मुगालते पे हुए नबियां नूं रब दा बेटा मनन लग गए, नबियां दियां मावां नूं अल्लाह दियां बीवियां मनन लग गए, अस्तगफिरुल्लाह, और बेटियां यानी अल्लाह अकबर फरिश्तियां नूं रब दियां बेटियां ते रब दी औलाद बना छड़िया, किहड़े पासे लग गए, सोने आखो अपने बारे अंदर कल नूं किधरे तुहाडी अजमत और तजीम समझ कर, तजीम दी बुलंदी अजमत और शान तरीफत दी बुलंदी नूं वे करके ये किधरे पूजा ही ना तुहाडी शुरू कर देन, इस वास्ते इन्नमा ये लफज बोलो इन्नमा सिर्फ और सिर्फ अना अब्दुन, मैं बंदा हूं बंदा बंदा बंदा, और चंगा इतना चंगा के अल्लाह दा सारी मखलूक विचों चंगा, एहो जा बंदा सुभान अल्लाह, फरमाया मैं बंदा हूं बंदा, फकुलू सही मुस्लिम शरीफ अंदर भी हदीस मौजूद है, फकुलू बस कहो फा इतें फा आ गया बस, हाँ जी जनाब या पासे का तर्जमा कर दो या बस कर दो, बस कहो कहो की आखो, अल्लाह दे नबी ने फरमाया मैनू की आखो, अब्दुल्लाह व रसूलू अल्लाह दा बंदा ते उहदा रसूल, अल्लाह दा बंदा ते उहदा, क्यों जी पहला हक मेरे नबी दा ये है कि अल्लाह दा बंदा और अल्लाह दा रसूल मनना, ठीक है, दूसरा हक मेरे नबी दा नबी दी ताजीम करना, इज्जत ताजीम समझते हो ना, यह दूसरा हक है जे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, सुनना जरा, अल्लाह ने कुरान मजीद अंदर सूरत नूर दी आयत नंबर 63 दे अंदर जनाब अल्लाह ने कितने प्यारे अंदाज नाल मेरे नबी दी ताजीम दा हुक्म इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते ने ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम बैनकुम ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम कदुआई बादिकुं बादा, फरमाया अल्लाह दे प्यारे नबी नूं इंज आवाज ना मारो इंज ना बुलाओ,
फरमाया दुआ अर रसूल ला तजालू ना पुकारो ना आवाज मारो हैं जी अल्लाह दे नबी नू पुका इंज ना पुकारो इंज ना आवाज दियो जनाब फरमाया बैनकुम का दुआ जिवें तुसी आपस अंदर एक दूसरे नू आवाज मार दे वाह जी वाह एक दूसरे नाल जिवें गल कर दे इंज नबी नाल गल नहीं करनी नबी नू खातिब नहीं करना है जे मेरे नबी दी ताजीम अल्लाह ने कुरान मजीद अंदर सूरत नूर दी आयत नंबर ताकि आप भी पढ़ो 63 माशाल्लाह आयत नंबर 63 आप पढ़ो मैं ता किते किते हवाला देना चल दिया कि खुद भी जाके पढ़ो ते तुहानू उत्थे किताब जेले खोलोगे ते तुहानू एक एक दो दो सफ़ेयां चो मवाद इतना मिलेगा कि मेरे पूरे घंटे देते इंशाल्लाह है जी वो जनाब ज़्यादा ज़्यादा भारी हो जाएगा तुहानू नॉलेज मिलेगा इलम मिलेगा मुतालिया करन दा शौक पाओ इधर वेखना अलगरज मैं दस रहा अल्लाह करीम ने फरमाया ना 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 आवाज मारिया जे नबी नू मुखातिब इंज नहीं करना है जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बैना कौमा पसंदर जिवें एक दूसरे पुकार दो का दुआई बाज़िकुम बाज़ा जिमें तुसी एक दूसरे नू पुकार दो इंज नबी नू नहीं जे पुकारना सूरह खुजरात एदी जनाब पहली आयत छोड़ के दूसरी आयत शुरू करिए अल्लाह करीम ने थे ईमान वाले नू मुखातब करके फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौत नबी अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब नाल इंज बात नहीं करनी पहली बात जिवें आपस अंदर कर दे हो दूसरी बात दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक सौतन सौत नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज नालों अपनी आवाज नू उचियां भी नहीं करना फरमाया वला तजारू लहू बिलकौल कजारी बाज़िकुम लिबाज़ फरमाया इंज इंज उच्ची आवाज नाल नहीं आवाज मारनी नबी नू है जी इंज अपनी आवाज उच्ची नहीं करनी जिवें बाज़ दे कोल एक दूसरे दे कोल कर लेंदे हो क्यों जो अमालुकुम किधरे इंज ना होवे तुहाडे अमल सारे दे सारे बर्बाद ही हो जान हां जी फरमाया वा अंतुम ला तशुरून और तुहानू शऊरी ना होवे तुहानू इलम ही ना होवे तुहाडे अमल जाया हो जान अल्लाहु अकबर ला 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 यार मैं ते हैरान हाँ कि अल्लाह करीम ने किस तरीके नाल बात नूं समझाया है अल्लाह अकबर और बुखारी शरीफ दी हदीस समात फरमा के जाना यानी 4846 नंबर हदीस मेरे तेरे प्यारे नबी दे सहाबी साबित बिन कैस रजी अल्लाह तआला उन्हां दी आवाज फितरी तौर ते बुलंद सी जदों साबित बिन कैस ने जनाब हजरत अनस बिन मालक फरमा देने साबित बिन कैस ने जदों ऐतां सुनिया जदों ऐत नाजल होई ते साबित बिन कैस ने मेरे नबी दी मजलस अंदर आना ही बंद कर दिता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल आंदे ही नहीं बैठते ही नहीं घर अंदर ही बाउंड हो करके रह गए घर अंदर ही कैद हो करके रह गए एक दिन जदों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी आना जो बंद कर दिता एक सहाबी ने मेरे नबी दे सामने अर्ज किया कहंदे ने सोनिया साबित बिन कैस दी मैं खबर लेके ना आवा पुछ के ना आवा साबित बिन कैस की बनी क्यों नहीं आंदे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरे नबी ने फरमाया जी जी सही मुस्लिम शरीफ दे अल्फाज ने कि ए भी बुखारी और मुस्लिम दो किताबां च हदीस मौजूद है कि मेरे नबी दे सहाबी हाँ जी ओ जेड़े के पता करन वास्ते गए हाँ जी साबित बिन कैस दी खबर लैन वास्ते गए ओ साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला सन क्यों जो साद बिन मुआज साबित बिन कैस दे पड़ोसी भी सन जदों साबित बिन कैस दे कोल गए इजाजत लेके घर दे अंदर दाखल होए वेख्या ते साबित सर झुकाए होए परेशान परेशान रंग उड़े हुए जिमें रो रो करके साबित दा हाल बुरा हो चुकिया है। हजरत साद बिन मुआज पुछते ने कहंदे ने साबित तेरा की हाल है ते साबित ने पुछण तो बाद ए साबित कर छड़िया ए दसिया कहंदे ने मेरा हाल बहुत ज्यादा बुरा है माड़े हाल ने माड़े दिन आ गए मेरे हाल बड़े माड़े हो गए बड़ा ही बुरा हाल है क्यों जो मेरी आवाज नबी दी आवाज नालो ऊंची है ते लिहाजा कुरान उतराया है मेरे ते अमल सारे दे सारे बर्बाद हो गए हुण ते मैं जहन्नम वालिया विच हो गया। अल्लाह पर हजरत साबित बिन कैस अल्लाह अकबर जी जी साबित बिन कैस कहंदे ने बस बस हुण मेरे अमल मुक गए मैं ते जहन्नमी हो गया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जाके दसिया गया अर्ज की कि सोने साबित बिन कैस दा हाल ते बड़ा माड़ा है ओ ते रो रो के हालों बेहाल होया पिया है ओ कहंदा मेरी आवाज जो बुलंद है मेरी आवाज अल्लाह दे नबी तो ऊंची आवाज है। अल्लाह ने फरमाया जे तुहाडी आवाज नबी दी आवाज तो ऊंची हो गई अंतहबता मालुकुम तुहाडे अमल बर्बाद हो गए ते लिहाजा वो कहंदा मेरे अमल ते बर्बाद हो गए मैं तबाहो बर्बाद हो गया मैं ते जहन्नम वालिया विचो हो गया। मेरे नबी ने फरमाया ए बतला दियो मेरे सा मेरे साबित बिन कैस नू साबित नू बतला दियो कि नबी दी जबान चो साबित हो गया कि बल हुआ अहलुल जन्ना बल्कि साबत जन्नत वालियां विचों है ये साबत हो गया नबी दी जबान चो। जी मेरे प्यारे वीर इस वास्ते मैं नबी दे हकूक सोने महबूब दे हकूक बयान कर रहा सूरह आराफ दी आयत नंबर 157 दे अंदर यानी 150 ते ऊपर सात लग जाएंगे। जनाब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह करीम ने कितनी इज्जत अता फरमाई है कितनी तजीम मेरे नबी दी करनी है। अल्लाह ने फिर ईमान वाले अनु हुक्म अता फरमाए फल्लजीन आमनू भी अल्लाह ने फरमाया नबी नाल ईमान ले आओ नबी नाल इदे नाल मतलब कि मेरे नबी दी तरफ जनाब इशारा है कि अल्लाह दे रसूल नाल ईमान ले आओ वअज़रू वलतरू वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअ फरमाया इज्जत करो वअज़रू नबी दी इज्जत करो वनसरू और नबी दी मदद करो की मतलब नबी दी मदद दे कि नबी जिमें आखे उवें मनो नबी दे नाल नाल चलो नबी दे सपोर्टर बन जाओ नबी दे वोटर भी बन जाओ है जी नबी वास्ते अपनी अपनी जान और अपना माल से अपनी औलादा कुर्बान करने का जज्बा रखो ते कर दितियां उन्होंने क्यों जी जाना भी ते औलादा भी और माल भी कुर्बान किए सुने वो लोग सन जिन्होंने मेरे नबी की इज्जत की थी।
असी तो माड़ी जी गल मन वास्ते तैयार नहीं, क्यों जी छोटी जी गल हो नहीं मननी। उ इशक बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत बड़ी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अकबर। हुण समझे आ जे अल्लाह फरमाते ने फरमाया हुआ अज़रूह अलसरूह कली मदद नाल गल नहीं बनेगी, सिर्फ इज्जत करन नाल गल नहीं बनेगी, बल्कि वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मा, बल्कि उस नूर दी इत्तबा करनी है जेड़ा ओदी तरफ नाजल किया गया है, नबी दे नाल नाजल किया गया है, नबी नू मबूस किया ते हजरत दे नाल कुरान नाजल होया। इत्थे भी नूर कुराने पाक नू आख्या गया है। यार पता नहीं लोग किधर दी किधर गल लै जांदे ने, दे अंदर किसे किस्म दा कोई इश्काल नहीं सुनिया। अल्लाहु अकबर अल्लाह ए नूरे हदायत कुरान अल्लाह दी किताब है। जी 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 बल्कि कुरान मजीद में खोलिया होया उदे ते ते इंज पढ़ रहा सा मैं, रात मुतालिया कर दिया होया इंज पढ़ रहा सा, यानी वनु फरमाया अनूर लजी, या पिछे शुरू करिए वत्तबउन्नूर लजी उन्ज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हक तू अदा कर दे कामयाबियां मेरा अल्लाह ता फरमाएगा। अल्लाह ने ए बात दा ऐलान कर छड़िया के कामयाबी कामयाब लोग ओ ने जेड़े नबी दी इज्जत भी करदे ने, नबी दी मदद भी करदे ने, और नबी दी हर बात यानी कुरान मजीद और नबी दी हदीस दी इत्तबा भी करदे ने, मनदे भी ने। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कितने प्यारे अंदाज नाल अल्लाह ने बात समझाई है। सूरह फतह दी आयत नंबर 8-9 आ गई। अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, नाल ही फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली तुअज़्ज़िरूहु व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। कितने अंदाज अल्लाह सोने दे। फरमाया सुन लो अल्लाह करीम ने तुम्हारी तरफ भेजा है किसको, नबी को शायद बना करके, शायद भी मेरे नबी दा नाम, बशर भी मेरे नबी दा नाम, बशारतें देने वाला, व नज़ीरा जहन्नम की आग से डराने वाला बना करके अल्लाह करीम ने भेजा गए, ले तुमिनू बिल्लाहि रसूली, ताकि तुसी लोग ईमान ले आओ अल्लाह दे नाल ते अल्लाह दे रसूल नाल, अल्लाह दे रसूल नाल ईमान इज्दा ले आओ, नबी दी ताज़ीम ते सुन लो। फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, नबी दी इज्जत भी करनी है, नबी दी तौकीर ते अजमत समझदे हो ना, नबी दी तौकीर भी करनी है, व तुसब्बिहूहु, इसे जनाब स्टाप तो बाद आया, नबी दी इज्जत करो, नबी दी तौकीर करो ते तस्बियां बयान करो सुबह शाम अल्लाह दियां। जी इज्जत अंदर ताकि कितना एहतमाम फरमाया अल्लाह सोने ने कुरान मजीद अंदर के नबी दी तासीम कर दिया होया। मुबालगा ना हो जावे किधरे नबी वादी इबादत ना शुरू कर दिया जे। वेखो अल्लाह ताला ने कितना एहतमाम रखे है बयान अंदर। इधर वेखो सारी आयत अंदर सूरह फतह दी आयत नंबर 8-9 इन्हां सारी दोनों आयतों के अंदर अल्लाह करीम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शाहिद होने का बतलाया, मुबशर होने का बतलाया, नज़ीर होने का बतलाया। अल्लाह करीम ने नाल ही फरमाया ईमान ले आओ अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ते, नाल ही फरमाया व तू
فحذروه وتوقروه फरमाया नबी दी इज्जत भी करनी है, नबी दी तौकीर और तजीम भी करनी है, मगर मगर तस्बियां बयान करनिया ने बुकरत असीला, यानी सुबह शाम अल्लाह दिया तस्बियां के दिया बयान करनिया ने। सुभान अल्लाह, ए नबी दी इज्जत ए नहीं कि माज अल्लाह नबी नू बता चढ़ा के बयान कर देता जाए, सोने या बात दूर ना निकल जाए। हुन बुखारी शरीफ दी सही मुस्लिम अंदर भी मौजूद है हदीस सवाद फरमा दे जाना दुआ किताबा दे अंदर आन हाँ फरमाया आन उरवा तबनी मसूद सकफी रजी अल्लाह तआला हजरत उरवा बिन मसूद बयान कर देने इस्लाम ले आने तो पहले मैं कुरैश दी तरफो नुमाइंदा बन करके मेरे नबी को ले गया। तेरे पता करके आओ किस तरह उदे साहब कैसे ने, उदे मनन वाले कैसे ने, वो कैसा नबी है, पता करके आ। कुरैश दा नुमाइंदा बन के नुमाइंदा जी जी कुरैश दी तरफो जनाब सफीर बन के नुमाइंदा बन के मैं अल्लाह दे नबी को ले हाजिर होया ते वापस जाके कुरेशिया नू दसन लगे ते गल ये तो शुरू की थी वल्लाह अल्लाह दी कसम चुके इब्तदा तो ही कहंदे ने वल्लाहि लकद वफ़तु अलल मुलूकी कहंदे ने अल्लाह दी कसम है मैं बड़े बड़े बादशाहां कोल वफद ले करके गया, वफद दा नुमाइंदा बन के उन्हां दा अमीर बन करके बड़े बड़े बादशाह दे कोल गया। मैं ते कहंदे ने कैसर कोल भी गया, किसरा दे दरबार अंदर भी गया, मैं नजाशी दे दरबार अंदर भी गया, बड़े बड़े वक्त दे बादशाह दे दरबारा दे अंदर जा करके वेखे आए। फिर कहंदे ने दूसरी मर्द वल्लाही यतनखम नुखमत इल्ला वकात फी कफी रजुल मिनहुम। अल्लाह अकबर, कहते ने अल्लाह दी कसम मैं वेखिया है वल्लाह, कहते ने मैं वेखिया है अगर मेरे नबी खंगार सुटा, खंगार समझते हो ना, मेरे नबी खंगार भी सुट दे ले ते ओ किसे ना किसे सहाबी दी हथेली ते ही डिगदा है, वो थले डिगण ही नहीं देंदे। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह है जी। ये अजे मुसलमान नहीं हुए उरवा सकफी, उरवा बिन मसूद सकफी अजे मुसलमान नहीं सुन हुए, ते हकीकत बयान हुई नबी दी ताजीम साहबा ने करके विखा छड़ी, अल्लाह दा कुरान मन के विखा छड़िया, अल्लाह ने भी दुनिया नू उन्हां दी जिंदगियां दे विच उन्हां नू जन्नती बना के विखा दिता। गल समझ आई ना सोने, अल्लाह अकबर अल्लाह जी। मेरे प्यारे वीर इस वास्ते ते अर्ज कर रहा, कहंदे की ने अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, फिर कहंदे ने वल्लाह, हर जुमला ही वल्लाह वल्लाह वल्लाह, अल्लाह दी कसम जो के कहंदे ने, कहंदे ने इन राई तुम मलिकन कत तो असहाबु, फरमाया मायुअिमु असहाबु मुहम्मद मुहम्मदा, अल्लाह दी कसम मैं कदी भी किसे बादशाह दे मनन वाले पैरोकार ओदे साथी यानी ओदे सहाबी यानी ओदे साथी नू इंज नहीं इज्जत करदियां कोया वेखिया। फरमाया युअज़िमुहु असहाबुहु, फरमाया मा युअज़िमु असहाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, जिमें प्यारे नबी दी इज्जत कर दिया सोने नबी मुहम्मद दे असहाब नू वेखे आए।
ਐ ਜੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਆਪਣਾ ਲੁਆਬ ਸੁੱਟਦਾ ਏ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਖੰਗਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਔਰ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਦਾ ਲੱਗ ਬਿਆ ਵਜਾ ਹੂਆ ਜਿਲਦਾ ਫਦਾ ਲੱਗ ਬਿਹਾ ਉਸ ਲੁਆਬ ਨੂੰ ਖੰਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਵਜਾ ਹੂ ਵਜਿਲਦਾ ਅਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਲਦ ਤੇ ਮਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵਾਹ 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 ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲੁਆਬ ਅੰਦਰ ਵਬਾਈ ਵਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਗਰ ਨਬੀ ਦੇ ਲੁਆਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਰਵਾ ਸਖਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਇਜ਼ਾ ਅਮਾਰਾ ਗੁਮ ਤਦਰੂ ਅਮਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ਾ ਤਵਜ਼ਾ ਕਾਦੂ ਯਕਤਤਲੂਨਾ ਅਲਾ ਵਜ਼ੂਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਤਰੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਵਾਇਦਾ ਤਕਲਮੂ ਹਾਂਜੀ ਖਫਜ਼ੂ ਅਸਵਾਤਹੁਮ ਇਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਹਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਤਨੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਪਸਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਮਾ ਯੁਹਿੱਦੂਨ ਇਲੈਹਿ ਨਜ਼ਰ ਤਾਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾ ਔਰ ਨਬੀ ਬੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਏਡੀ ਏਡਾ ਅਦਬ ਏਡੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਐਸੀ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤਤਰੂਨੀ ਕਮਾ ਤਰਾ ਤਿੰਨ ਨਸਾਰਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਮਾ ਤਰਾ ਤਿੰਨ ਨਸਾਰਾ ਬਨਾ ਮਰੀਆਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਇਨਮਾ ਅਨਾ ਅਬਦੁਨ ਹੈ ਜੀ ਫਕੂਲੂ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਵ ਰਸੂਲੂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਰਵਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਸਖਵੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਹੈ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਹੇ ਉਰਵਾ ਸਖਵੀ ਕੁਰੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕਤਰੇ ਗਿਰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਕੜਨ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਲਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਮੁਸਤਫਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਕੂਕ ਨਬੀ 8 ਨੇ 8 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹੈਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 8 ਹਕੂਕ ਸਨ ਅਤੇ 8 ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ
हैं जी, लेकिन इत्थे नहीं लोड़, इत्थे बहुत पढ़े लिखे पहले ही पढ़े लिखे लोग ने, इत्थे वाज करन दा की फायदा। माशाल्लाह इन्ने पढ़े लिखे लोग ने, इस वास्ते मैं इक्को जुमे दे अंदर अगले जुमे च हकूकुन नबी अल्लाह दे फजल नाल छे दे छे बाकी जड़े ने मैं बयान करांगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।